कश्मीर न्यूज सर्विस प्रेजेंट्स। और पहला ही विजिट 5 दिनों का जो 10 तारीख को शुरू हुआ और कल 14 तारीख को इख्तिताम होगा। इस दरमियान जम्मू में 2 दिन हेक्टिक एक्टिविटीज और शुरुआत की किसान सम्मेलन से। मुख्यतः जो 10 तारीख को हमारी किसान सम्मेलन था, जिसके द्वारा ये जो किसान कानून, काला कानून जो केंद्र सरकार ने बनाया है, जिसके माध्यम से हमारे किसानों के बेहाल होने के चिन्ह है, इसका विरोध करने के लिए हमने ये 10 तारीख का प्रोग्राम बनाया था। आप सबको मालूम है कि 2014 में जब मोदी जी सरकार में आए थे और प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने हमसे एक वायदा किया था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी जो है वो दुगनी कर देंगे। अभी इस हालात में हम खड़े हैं कि आमदनी दुगनी तो छोड़ो, लेकिन जो है आमदनी वो भी चले जाने का मौका और अवस्था ये किसान के काले कानून ने किए हैं, जिसके माध्यम से APMC उन्होंने खत्म कर दी है। MSP का कहीं पे सिर्फ नाम रखा है, लेकिन MSP का कहीं पे भी हमें आधार नहीं मिल रहा है। और खास तौर पे जब इस देश के 86% लोग सिर्फ 2 और 5 एकड़ के मालिक है, बहुत अल्प भूधारक है, मार्जिनल फार्मर्स है, तो वो लोग परेशान है, क्योंकि उनको मोदी जी बोलते हैं कि आप दुनिया में कहीं पे भी जाके आपका जो उपज है वो आप बेच सकते हो। आप हमें बताइए कि 2 से 5 एकड़ वाला आदमी कहाँ पे अपनी उपज लेके जाएगा और उसको परवड़ेगा क्या? वो एक सवाल हम आपसे आपके द्वारा पूछना चाहते हैं। आज देश के 62 करोड़ 62 करोड़ लोग रास्ते पर उतरे हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो, और वो मांग कर रहे हैं कि जो स्वामीनाथन कमेटी का जो अहवाल था, जिसके अनुसार हमें 1.5 गुना MSP मिलने वाली थी, उसको लागू करो और ये काला कानून बैक रोल कर दो। आपको याद होगा जब पहली बार जब मोदी की गवर्नमेंट आई थी, मोदी जी की, तब उन्होंने जमीन अधिग्रहण कानून किया था, पारित किया था, और उसके खिलाफ में पूरे कांग्रेस वाले ऐसे ही रास्ते पे उतरे थे। आखिर में जमीन अधिग्रहण जो कानून है उसको रोल बैक करना पड़ा इस सरकार को। उसी तरह से ये काला कानून रोल बैक करे, इस तरह से हम अपेक्षा करते हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को अन्नधान्य के ऊपर अपने बलबूते पर खड़ा कर दिया है, सही मायने में अपना आत्मनिर्भर बनाने का काम इस देश को कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इस देश को जो नारा दिया इस कांग्रेस ने, जय जवान जय किसान, उसके द्वारा इस किसानों को एक बहुत बड़ी मदद, राहत देने की उन्होंने कोशिश की है। तीसरा जो इश्यू है वो यहाँ पे जो 5 अगस्त 2019 में जो एक बहुत ही अनडेमोक्रेटिक वे से, यूनिलैटरली और असंवैधानिक तरह से ये जो उन्होंने 370 उन्होंने एक डिमोलिश कर दिया, मुझे लगता है कि इसको रिस्टोर स्टेटहुड करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो मैं जहाँ जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ पे सब लोगों का यही आक्रोश है, गुस्सा है लोगों के मन में, मायूसी है कि हमारा स्टेटहुड हमें वापस दे दो। मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा जब मैंने देखा, क्योंकि उसकी पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ विधानसभा में भी आपके यहाँ चर्चा हुई, और एक तरफा निर्णय लिया गया और 370 के अंदर उन्होंने स्टेटहुड का तो कर दिया। स्टेट हुड का यूटी करने का पहले काम मैंने देखा है, यूटी का हमेशा स्टेट होता है, लेकिन स्टेट हुड से यूटी होने का काम पहली बार हमने देखा है, और जम्मू कश्मीर के स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए उन्होंने। तो ये लोगों में बहुत गुस्सा है कि ये स्टेट हुड वापस फिर दे दे, नाराजगी है लोगों के मन में। लोगों को मन में ये भी है कि अपनी नौकरियां वो कहाँ छोड़ेंगे, नौकरियां उनको मिलनी चाहिए, अगर बाहर के लोगों को यहाँ नौकरियां मिलेगी तो फिर हमारे लोग कहाँ जाएंगे, ये भी लोगों को एक डर है। दूसरा उनको लगता है कि हमारी जो जमीन है तो हमारे जमीन के ऊपर हमारा ही अधिकार होना चाहिए, हमारे लोगों ने वो जमीन लेनी चाहिए जो हमें एक स्टेटस मिला था। इससे पहले मैं हिमाचल में भी मैं थी इंचार्ज, तो हिमाचल में भी एक स्पेशल स्टेटस उनको था कि आर्टिकल 118 के तहत वहाँ पे कोई भी जमीन ले नहीं सकता है, जमीन सिर्फ वहाँ के हिमाचलीज को लेनी होती है, तो वैसे यहाँ पे भी दिया था, वो भी उनको वापस मिलना चाहिए। जो लड़कों को मैंने बोला, युवक कांग्रेस के हो, NSUI को हो, तो सब ने यही बोला कि हमें 4G मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 4G के माध्यम से पूरे विश्व के साथ वो कनेक्टेड है। जब आज पैंडेमिक के टाइम पे
पूरे विश्व में ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, अगर ये आपका ऑनलाइन ही चलेगा नहीं, अगर आपका 4G नहीं चलेगा, तो फिर किस तरह से वो आपको शिक्षा मिल सकती है? ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, वो भी हम आगे उठाएंगे। और दो दिन पहले हम जब जम्मू में थे तो कश्मीरी पंडित का जो इशू था, उसी के लिए हम जगती करके वहाँ पे जो सेटलमेंट हुई है, उनके सेटलमेंट की जगह पे गए थे, तो उनका भी यही कहना है कि हमारे जो अधिकार है वो हमें दे दो, हमें अपने गांव श्रीनगर जाने का हमें परमिशन दे दो। तो ये सब उनके जो लेजिटिमेट मांगे हैं, उसके लिए कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रही है और इसके आगे भी उनके साथ खड़ी रहेगी। जो एक इंक्लूसिव देश का सपना जो इस भारत सरकार में हमारे कांग्रेस पार्टी ने देखा था, इस सभी जातियों को, सभी अक्रॉस धर्मों को, सभी अक्रॉस ऑल कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड स्टेट, हम सब एक साथ मानते थे, वो होमोजीनियस स्टेट हम फिर देखना चाहते हैं। आज दुर्भाग्य से ऐसे हो रहा है कि एक जगह पे हम जो सोचते हैं तो एक पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, और उस पोलराइजेशन के एक दूसरे के मन में शंका आ रही है। मुझे लगता है वो शंका दूर करने की बहुत आवश्यकता है, और वो कांग्रेस के सिवाय कोई नहीं कर सकता, यही मैं आपको दिलासा देना चाहती हूँ, और इसलिए कांग्रेस का यही एजेंडा लेके हम आगे काम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।